दोस्तों, मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने। तो आज हम बात करेंगे कि इस टाइप के जो एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होते हैं ये ग्लास, इस शेप के, ये किस तरह काटे जाते हैं। ठीक है, और बहुत इजी है काटना इसको। तो चलो आइए बात करते हैं कि इसे कैसे काटे जाते हैं। तो इसमें यूज़ होने वाली कलम जो है वो ये है, डायमंड बेस। आप गलती से भी ये वाली कलम यूज़ मत करना, ये व्हील वाली कलम है और इसका इस्तेमाल नहीं होता इसके अंदर। ठीक, वैसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। तो दिखाता हूँ आपको। यह है ग्लास, थोड़ा साफ कर लेंगे। एंड यह है स्केल, इसे मैंने ऑलरेडी लकीर डाल रखी है, शायद आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी लकीर डाल रखी है इस पे। एंड मैं अब आपको काट के दिखाता हूँ। अब हम इसको रखेंगे करीब करीब भी तो 70 डिग्री पे, एंड फिर उसी शेप में इसको काटते चले जाएंगे हम। अब इसको हाथ से, चाहे अगर आपके पास कोई प्लास हो उसे तोड़ सकते हैं। तो मैं तो प्रोफेशनल हूँ तो मैं तो खैर हाथ से ही ज़्यादा यूज़, हाथ से ही तोड़ता हूँ मैं तो इसको। ये देखिए आप, कोई ना कोई औजार ज़रूर इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके हाथ में ये लग सकता है। इसके ये चोंच है, काफ़ी पैनी होती है ये। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने घर में भी काट सकते हैं। और इसमें जो यूज़ होने वाली कलम है वो है मेरी फेवरेट, डोमिनियन। और ये आसानी से आपको शायद 80-90 रुपये के आसपास किसी भी हार्डवेयर पे मिल जाएगी आपको। ठीक, इसका यूज़ नहीं करना है आपने, ये बात का ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ नहीं करना है आपने इस पे, क्योंकि जब हम इससे शीशा काटते हैं तो शीशे पे काफ़ी हमें ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, जिससे शीशा टूट सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ये शीशा इस पे काटेंगे तो ये शीशा आसानी से टूट सकता है ये, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, ये कम प्रेशर पर चलने वाली कलम होती है तो इसका इस्तेमाल आपने करना है। और इसकी जगह आपने कोई भी फट्टी यूज़ कर सकते हो आप इसकी जगह पे। और अगर आप लोग, ये तो आपने सीख ही लिया है काटना। ठीक, तो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं काटना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए, अगर आप चाहेंगे तो ही मैं अगला वीडियो इस पे लेकर आऊँगा, अदरवाइज नहीं। काफ़ी इजी है। ये देखिए, जब इसे काटते हैं तो ये ऐसा होता है।
विशेष तरीके से तोड़ लिया जाता है। तो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।